बापू जी, सब तो पहला सवाल है, पंजाब दे विच कई रवायती पार्टियां ने, श्रोमणी अकाली दल भी है, जिक्र किया है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है, कुछ समा पहला होंद विच आउंदा है, पर श्रोमणी अकाली दल शहीदा बनाउण दी जरूरत क्यों पई? देखो, वैसे तो श्रोमणी अकाली दल है ही शहीदा दी जथे जी, असीं कहिंदे आ हकीकत भी यही है। देश की हाकम जमात साढ़े से टैंकों तोपों नाल हमलावर हुई और उस तो बाद 10 साल फिर जरा पंजाब नौजवानों का शिकार खेडिया गया, वो शहादतें ही नहीं सारिया। और उस तो बाद हुण जदों देश आज़ाद होया तो वो सुपना इन्हां दे अंदर फिर जाग गया भी असी इस देश के इस खिते के लोगों को फिर गुलाम बनाउणा है, क्योंकि इन्हों का मकसद ये नहीं है कि इस खिते के लोगों की बेहतरी वास्ते असं कोई काम करें। और जदों इस दौर का सिद्धांत लिखा इतिहास लिखा जाएगा उदों की लिखा जाएगा कि पंजाब के लोग इन्ने दीनहीन हो गए सी कि लाइना च लग के 2-2 किलो आटा मंगते सके और 1 किलो दाल मंगते सके। समझण वास्ते तैयार है लोग? देखो, साढ़े लिए सौखा काम नहीं है, सानू पता है एक बहुत बड़ी भीड़ है जी एक बंदे नू दौड़ रही है और असी उन्हां दे सामने खड़े होना, भीड़ां दे सामने खड़े होना सौखा काम नहीं है, पर फिर भी असी खड़े होवां, असी कोशिश करांगे उन्होंने समझाउण भी तुसीं जिस तरह कमले होकर भज रहे हो ना, जिस तरह वो तबाही वल जा रहे, तुसीं अपनी तबाही वल, तुहाड़े कोल राह नहीं कोई बचना जे इत्थे जिहड़े इह एजेंडा लागू हो गया ना, ते जिहड़ी उन्हां दा उन्हां दी मंशा है कि पंजाब दे विच्चों पंजाब दे नौजवानां नूं भजा दित्ता जावे, डर दहशत दा माहौल बना के भजाया जा सकदा तां भजा दो, आर्थिक तौर पर कमज़ोर करके भजाया जा सकदा तां भजा दो। ये झंडे उन्ने दिन झूलते जिन्ने दिन पंजाब जिउंदा, ते जिस दिन तुसीं पंजाब लावार छड्ड के भज गए ना, तुहाडे झंडे फिर बाहर भी नहीं झूलदे। एजेंडा की है, किस तरह लैके चलोगे लंबा समा पार्टी नूं? मेरे ख्याल ये आ भी ये जिहड़े ये वक्ती बुखार होंदे आ जिहड़े, वे उह छेती लै जांदे, ये कंडियां दी अग वर्गे होंदे आ, ये बलदी बहुत उच्ची है पर इन्हां दे थल्ले राख नहीं होंदी। ये जिहड़े चेहरियां दी राजनीति करन वाले ने, ये बहुत लंबा समा चलणे ने, ते जे अज पंजाब दे विच तुसीं अपना वह रोल अदा नहीं किया जिहड़ा तुसीं संघर्ष विच अदा किया सी, ये इतिहास विच ये भी दर्ज होएगा, यही गुनाहगार ने पंजाब नूं लुटाउण वास्ते और यही गुनाहगार ने नौजवानी नूं पटकाउण वास्ते। लगता है कि जिस हिसाब के नाल केजरीवाल जां भगवंत मान लोगों के गतिविधियां करके लोगों नूं गरंटियां देंदे आ, उन्हां तों कोई उम्मीद है पंजाब के भले की? एक समां सी थोड़ा जिहा आया भी जिवें ऐ लगन लग गया सी कि इह विकल्प आ पंजाब दा, पर अज नहीं है। अज क्योंकि बीजेपी वालिआं ने इस तरीके नाल जिहड़ा अपना जाल विछाया पंजाब दे विच। TV84 इंडिया के नाल जुड़े हुए मैं रजिंदर सिंह सबराह, प्रोफेसर पूर्ण सिंह, जदों पंजाब नूं धरातल तो देखते हैं तो बड़िया पावन सत्रां लिखते हैं, वो कहिंदे ने पंजाब जिउंदा गुरां दे नाते 100 साल पहला पंथ अते पंजाब दे भले की खातर होंद विच आया श्रोमणी अकाली दल, लगातार कुरबानियां करता रहा है, पर मौजूदा समय दे विच कुछ पंथक शख्सियतों का मनना है कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़े मुद्दों नूं लैके होंद विच आया सी उन्हां मुद्दों तों मुनकर हो चुका, पंजाब दी लड़ाई जिस लड़ाई नूं जमीनी पद्धर दे उपर हकीकी तौर पर श्रोमणी अकाली दल लड़दा रहा, पर अज वो पंजाब अते पंथ तों बागी हो चुका है। बापू हरदीप सिंह डिबडिबा ने मौजूदा समय दे विच अज 1 जनवरी 2022 है, नवें साल वाले दिन नवीं पार्टी कायम की है श्रोमणी अकाली दल शहीदा, गलबात कर लें। बापू जी, सब तो पहला स्वागत है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी, सब तो पहला सवाल है, पंजाब दे विच कई रवायती पार्टियां ने, श्रोमणी अकाली दल भी है, जिक्र किया है, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है, कुछ समा पहला होंद विच आउंदा है, पर श्रोमणी अकाली दल शहीदा बनाउण दी जरूरत क्यों पई? देखो, वैसे तो श्रोमणी अकाली दल है ही शहीदा दी जथे जी, असीं कहिंदे आ हकीकत भी यही है कि इस अकाली दल नूं बनाउण तों पहला और बनन तों बाद हज़ारां शहादतां होईआं ने जिहड़ियां इस अकाली दल दे प्लेटफॉर्म लई, इहनूं जिउंदा रखण लई, इत्थे खड़ के लड़न लई, सिद्धांत दी राखी वास्ते उह शहादतां होईआं ने। तुसीं ननकाणा साहब दे साके तों शुरू हो जाओ, तुसीं गुरु के बाग दा मोर्चा है, जैतो दा मोर्चा है, ये सारे मोर्चिआं विच शहादतां होईआं ने। फिर उस तों बाद जे आपां देश दी आज़ादी तों बाद दी गल कर लईए तां पंजाबी सूबे दा मोर्चा है, उहदे विच शहादतां होईआं ने, एमरजेंसी दी लड़ाई लड़ी गई है जिस तों बाद एक बहुत वड्डी जंग पंजाब दे विच होई भी जिहड़ी समझो भी एक देश की हाकम जमात साढ़े से टैंकों तोपों नाल हमलावर हुई और उस तो बाद 10 साल फिर जरा पंजाब नौजवानों का शिकार खेडिया गया, वो शहादतें ही नहीं सारिया, वो शहादत जड़िया ने वो सारिया जड़िया ने एक सिद्धांत की राखी वास्ते हुई।
कि अज सचमुच श्रोमणी अकाली दल जिहड़ियां पंजाब दीआं पंथ दीआं मंगां सी जिन्हां नूं लैके लगातार लड़दा रहा है कि सचमुच पंजाब तों मुनकर हो चुका है। तुहाडे सामने ही आ हुण किहड़ी किहड़ी गल आ जिहड़ी आपां श्रोमणी अकाली दल दी नूं आपां इह गल कहीए कि उह पंजाब दे जां इस पंथक हितां वास्ते खड़ा है, कितें खड़ा नज़र तो आए। मतलब अज जे एक बंदे वो पार्टी जी 1925 एक बंदा एक इस अहद ना बना कि मैं इस खिते दे लोकां दे उत्ते राज करना, इनू हिंदू राष्ट्र बनाना, उहदे पिछे कोई ना इतिहास है ना उहदे पिछे कोई बहुत वड्डियां मल्लां ने जित्तां ने। उन्हां दा इतिहास तो यही है ना कि बड़ी बहादुरी से लड़े और अंत में हार गए, यही इतिहास है ना उन्हां दा जिन्हां जिन्हां ने अज देश ते राज कीता। और 2.5% 3% ब्राह्मण जिहड़ा है वो इस देश ते राज करन दी नीयत नाल इस नूं बणाउंदा है भी असीं इस देश दे खिते दे लोकां नूं गुलाम बणाउणा और मन्नू समृति जिहड़े मन्नू दा जिहड़ा हैगा सिधांत है उस देश ते लागू करना, जिहड़ा उन्हां तों एक तरहां नाल खुस गया सीगा क्योंकि जदों ये मुगलां दा राज आया तो उदों बाद जिहड़ा इहनां दा सीगा मन्नू दा सिधांत उह कमज़ोर पिया क्योंकि वड्डी गिनती दे विच जिहड़े इस मन्नू सिधांत तों सताए हुए लोग सी उन्हां ने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये कितने ना कि कमज़ोर हुए। उन्होंने 1200 साल राज किया और उस तो बाद हुण जो देश आज़ाद होया तो वह सुपना इन्होंने अंदर फिर जाग गया भी असी इस देश के इस खिते के लोगों को फिर गुलाम बनाना है क्योंकि इन्हों का मकसद ये नहीं है कि इस खिते के लोगों की बेहतरी वास्ते असी कोई काम करना है, इन्हों का मकसद है भी राज असी राज करने वास्ते पैदा हुए हैं भी ब्राह्मण ही राज करने वास्ते पैदा होया है, शूदर जिहड़ा पैरां विच बैठने लिए पैदा होया, जिहड़ा क्षत्रिय वो साडे राज दी राखी करने वास्ते पैदा होया। मतलब इस तरह की इन्होंने वर्ण वंड कर रखी है तो उही वर्ण वंड दोबारा हुण इस देश विच लागू होए, नहीं तो मैनूं तुसीं दसो एडे वड्डे देश की जिहड़ी जमात राज कर रही होवे और जिहदे कोल सारियां पावरां होण, मतलब संविधानक भी राजनीतिक भी आर्थिक भी सब कुछ उन्हां कोल हो, फिर भी वो राज कहे कि असीं हिंदू राष्ट्र बनाउणा, फिर भी वो इस राज नाल संतुष्ट ना हो जी, फिर उन्होंने आप कहोंगे उन्हों की नीयत फिर की आप समझ आँदी है ना। उन्होंने साफ नीयत है कि ये जो देश के जो राज चल रहा ना वो एक संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा जी, पार्टी का आगाज किया एजेंडा की है, किहड़ा एजेंडा लैके चले हो, मुद्दे की होणगे, किस तरह लड़ाई लड़ोगे तुसी? वैसे तो असी सारा कुछ लिखती दिता है जी, लिख के तुहानू सारा दिता है सारा, असी जिहड़ी लड़ाई साडी है असी उस सिधांत नूं बचाउणा है जिस ते हमला है गुरु नानक दे सिधांत नूं, साडा पहला जिहड़ा असी एजेंडा है वो ये है भी जिहड़ा मन्नू दा सिधांत गुरु नानक दे सिधांत ते हमलावर होया सीधे रूप में तो असी उहदे सामने खड़ा होना। दूसरा है साडे जिहड़े हैगे आर्थिक एजेंडे ने, जिहड़े धार्मिक एजेंडे ने, जिहड़े साडे होर साडे सरोकार ने पंजाब दे, वो सारे साडे मुद्दे ने। साडे पंजाब दे एजेंडे ये नहीं है कि इत्थे बस का सफ़र फ्री कर देंगे जी, 1000 रुपया बीबिया असी पेंशन ला देंगे जी, मतलब ये साडे लोगों नूं मतलब इस तरह के मंगते बनाउण दा जिहड़ा सिस्टम पंजाब नूं शुरू कर दें क्योंकि ये तो वंडण वाले ने लोग ते इन्हां नूं बुक कढ के खरात लैण वाले बनाउण की कोशिश हो रही, मतलब एक मुद्दा मारन का काम चल रहा ना भी पूरा पुट्ठा कर दिता जाए पंजाब के सारे सिधांत, और जदों इस दौर का सिधांत लिखा इतिहास लिखा जाएगा उदों की लिखा जाएगा कि पंजाब के लोग इन्ने दीनहीन हो गए सी कि लाइनां च लग के 2-2 किलो आटा मंगते सके और 1 किलो-1 किलो दाल मंगते सी, ये लिखा जाएगा इतिहास जिहड़े दावा करते असी सारी दुनिया रोटी खवा सकते हैं और खवाई भी है, तुहाडे सामने हुण दिल्ली के बैठ के आए उत्थे लंगर चले नहीं, सारी दुनिया ने लंगर छके नहीं, दुनिया के कोने कोने में सिखां दे लंगर चलते नहीं, जिहड़े दुनिया के कोने कोने में लोगों को रोटी खवाते हैं उन्होंने ये गल कही जाती है भी तुहानू असीं रोटी ते दाल देवांगे आटा देवांगे ते गल किधर नूं जांदी, इहदा मतलब ये है कि असली मुद्दे ने जिहड़े पंजाब के वो इन्हां दे एजेंडे ते नहीं हैगे क्योंकि उन्होंने ये मुखातब ही नहीं होना चाहते, जे वो सही मुद्दों मुखातब होना चाहते और सही पंजाब के हितैषी हो सही पंजाब बचाने की गल होनी चाहिए तो उन्होंने पहला पंजाब के अधिकारों की गल करनी चाहिए। रोड मैप लैके पिंडां दे विच जाओगे लोगों के नाल वार्तालाप करोगे कि लगता है लोग समझण वास्ते तैयार आ, लोग चाहते कि पंजाब बदलिया जाना चाहिए क्योंकि आम करके शिकवा किया जाता है कि जिहड़े दिल्ली तो अंदोलन जित के आए दिल्ली दीआं ट्रालियां दे विचों आए ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਡੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ
कि पंजाब दे विच्चों पंजाब दे नौजवानों नूं पजा दिता जाए, डर दहशत दा माहौल बना के पजाया जा सकदा तां पजा दो, आर्थिक तौर ते कमज़ोर करके पजाया जा सकदा तां पजा दो। ते जिन्हां ने इस फलसफे की राखी करनी, जिन्हां ने इस खिते की राखी, मैं तो कहिंदा हुंदा वी जिहड़े जिद्धर नूं तुसीं भज रहे हो वी उत्थे साडे झंडे झूलदे विदेशां, ये झंडे उन्ने दिन झूलदे जिन्ने दिन पंजाब जिउंदा जी। ते जिद्दन तुसीं पंजाब लावारस छड्ड के भज गए ना, तुहाड़े झंडे फिर बाहर भी नहीं झूलदे। रवायती पार्टियां दीआं जड़ां बहुत मजबूत है, सरमाया बहुत है उन्हां कोल, पैसा बहुत है, वड्डियां जायदादां बणाईआं उन्हां ने। की लगता है कि तुहानूं पंजाब की लड़ाई लड़न वास्ते पिंडां दे विच जाना पऊ, पैसा भी इनवैसट करना पएगा, जिहड़ा वो इनकम होगी पैसा होगा जिहड़ा तुहाडे खर्चे दे उपर लगू जाना उन्हां होर खर्चा आएगा, तां वो फिर किवें एडजस्ट किया, किवें सोचिया तुसीं? मेरा 40 साल का जिहड़ा मैं जिस तरह नाल संघर्ष किया है जी, 40 सालों के मैं जिथे रात पैंदी सी उत्थे रह जांदा सी, जिहो जी रोटी परिवार खांदा सी उहो जी मैं खा लैंदा सी। मेरे नाल जिहड़ी टीम है ना उहनां दे भी इन्ने की खर्चे, सानूं बहुते खर्चियां की लोड़ नहीं पैणी, असीं जिथे जावांगे वह सानू रोटी भी खवा देणगे, वह सानू बिस्तरे भी दे देणगे, रख भी लैणगे। इस लई जिहड़े बाले पैसों वाले ना, इन्हां ने पैसों के तजर्बे करके वेख लो, हुण कलकत्ता विच पछमी बंगाल दे विच किहड़ा तजर्बा नहीं होया, जिन्हां कोल बहुत पैसे सी, जिन्हां कोल सरकार किन्नियां सूबियां दीआं सरकारां नाल जाके उत्थे खड़ियां करतीआं सी, घर घर एक एक मंत्री बिठाता सी, की होया फिर? ये लोकां ते डिपेंड करदा है कि वह इस चीज़ को एक्सैप्ट करते, अपनी होंद को तरजीह देंगे, या ये वक्ती तौर पर आए हुए जड़े जड़े ये फंड ने, पैसे ने, लालच ने, इन्होंने गवाचते हैं कि अपनी होंद की लड़ाई लड़े। बाबा जी चेहरिया की राजनीति है, सिद्धू मूसेवाले के उपर डोरा सुटा गया, उन्होंने कांग्रेस में लिया गया, कल होरना गायकों के नाल जिहड़ा सी राजा वड़िंग ने मीटिंगा कीतियां, हो सकता कि राजनीति को राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लियाउण वास्ते उन्होंने नाल वार्तालाप होया होवे, तो की लगता है कि तुहाडे विच मौजूद वो चेहरे नहीं जिन्हां नूं लोग पहलां ही जानते होण, जिन्हां दे मगर लग के लोग चलते होण, तो फिर एजेंडा की है, किस तरह लैके चलोगे लंबा समा पार्टी नूं? मेरे ख्याल ये है भी ये जिहड़े ये वक्ती बुखार होंदे आ जिहड़े, वे छेती लै जांदे, ये कंडियां दी अग वर्गे होंदे आ, ये बलदी बहुत उच्ची है पर इन्हां दे थल्ले राख नहीं होंदी। ये जिहड़े चेहरियां दी राजनीति करन वाले ने बहुत लंबा समा चलने नूं, ते ठीक है, मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ कि साडे नौजवान दे आइडियल जिहड़े ने ओह गाउण वाले ने, ये साडा दुखांत आ पंजाब दा, पर बहुत सारे नौजवानों नूं समझ भी आई हुई है भी साडे आइडियल ये नहीं हैगे, साडे आइडियल हरी सिंह नलूआ है, साडे आइडियल छोटे साहिबजादे ने, वड्डे साहिबजादे ने, साडे आइडियल वह ने, साडे आइडियल ये नहीं है। मैं इन्हां नूं कहा गाउण वालियां नूं भी तुसीं ये कालख लैके जाओगे अपने मत्थे ते, क्योंकि जदों तुसीं चाहिया पंजाब दे मुंडियां नूं अपने ढोल दे हिसाब से नचाउणा चाहिया, मुंडे नचाए तुसीं पंजाब दे, जदों तुसीं पंजाब दे मुंडियां दे कन्नां च नत्तियां पवाउणियां चाहियां, तुसीं पवाईयां साडे पंजाब दे मुंडियां दे, ते जदों तुसीं तुहानूं लग्गिया कि तुहाडे हुण पंजाब दा नौजवान कुछ होर चाहुंदा है, ते तुसीं फिर उहनां नूं सारिआं नूं जे दिल्ली दे बार्डर नाल लिजा के संघर्ष दे अगे कंध बण के खड़ा कर सकदे आ, इहदा मतलब सारी कहानी तुहाडे कोल है ना, ते जे अज पंजाब दे विच तुसीं अपना वो रोल अदा ना किया जिहड़ा तुसीं संघर्ष विच अदा किया सी, ते इतिहास विच इह वी दर्ज होएगा, यही गुनाहगार ने पंजाब नूं लुटाउण वास्ते, और यही गुनाहगार ने नौजवानी नूं पटकाउण वास्ते। जदों भी भारत दे विच कोई संकटमई समा आया तां पंजाब दे सिखां ने, उहनां सिखां ने बहुत वड्डी अगवाई की है भारत की आज़ादी दे विच भी बहुत वड्डा योगदान रहा है, किसी पंथक धिर दे नाल गलबात हुई, पंथक नुमाइंदे तुहाडे नाल शामिल होण वास्ते उन्हां दी कोई गल हुई होवे तुहाडे उन्हां दे नाल पंथ दी लड़ाई लड़न वास्ते, पंजाब दी लड़ाई लड़न वास्ते? देखो इस वेले ते उही खड़ेगा जिहनूं सचमुच ही पंथ नाल कोई सरोकार होवे, जिस तरह के हालात ने लोगों के सामने, अज आपां दुनिया के हालात वेख लईए, देश के हालात वेख लईए, लोगों लई सब कुछ पैसा ही मुख हो गया, और ताकत सत्ता ये सारिया चीज़ा लोगों प्रभावित कर दें, बहुत घट लोग सानू नहीं उम्मीद कि साढ़े नाल बहुत भीड़ा खड़िया होंगे, पर मैं फिर भी उम्मीद है कि जिस तरह का रिस्पोंस पंजाब ने दिल्ली संघर्ष में दिता है वो ज्यों दे जमीर वाले ने, खास करके मैं तो नौजवानों के भरोसे खड़ा, और मैं नौजवानों एक पहला प्लेटफॉर्म दिता, नौजवान किसान मजदूर यूनियन शहीदा बना के, आ प्लेटफॉर्म तुसीं वेख लो मेरे सज्जे खब्बे कौन से, सारे नौजवान सीगा, उन्हां लिए प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लड़ाई उन्हां दी है नौजवानों की, असीं तां सिर्फ हुण असीं तां जिहड़ा साडे कोल तजर्बा है असीं उन्हां नौजवानों नूं दस देना है
भी आह चीज़ा जड़ियाँ तुहाडे लई खतरनाक ने ते आउण वाले भविख लई तुहाडे वास्ते ये चुनौतियां ने तुसीं इहनां लई खड़े होवो। और मैनूं यकीन है कि जिस तरह के नौजवानों नाल मैं विचरदा, जिस तरह के नौजवानों नाल मेरा सरोकार रहिंदा, वो इस चुनौती में स्वीकार करनगे। जी बापू जी, अखीर दे विच इक सवाल है कि रवायती पार्टियां आईयां, कांग्रेस की अकाली दल की गल चलती है, अकाली दल की गल पहलां भी की है, तो तीजी धिर एक आम आदमी पार्टी पैदा हुई, लंबे समय तो संघर्ष करती आ रही है, लगता है कि जिस हिसाब के नाल केजरीवाल ज भगवंत मान लोगों के गतिविधियां करके लोगों को गरंटियां देंगे, उन्होंने कोई उम्मीद है पंजाब के भले की? एक समा सी थोड़ा जहा आया भी जिमें लगन लग गया कि यह विकल्प है पंजाब का, पर अज नहीं है। अज क्योंकि बीजेपी वाले ने इस तरीके जोड़ा अपना जाल विछाया पंजाब के, क्योंकि इन्हों का जोड़ा वोट शहरी वोट बैंक है इन्होंने को, बीजेपी वाले को दलित वोट बैंक है, बाकी का जोड़ा पेंडू वोट बैंक पेंडू वोट है जोड़ा किसानी जुड़िया हुआ खास करके वोट है, उसने इनू डैमेज करना सी बीजेपी को, जे वो एक थान से भुगतता तो बीजेपी को डैमेज होंगे सी, उस वोट में इन्होंने चार ही थाएं वंडिया भी हूँ। जो किसान मोर्चे चो आए ने उन्होंने अकालिया नाल भी चले जाना, उन्होंने आम आदमी पार्टी नाल भी चले जाना, उन्होंने कांग्रेस नाल भी चले जाना, और किसान मोर्चे वाले ने जिहड़ी पार्टी बनाई उहदा बनाउण दा मकसद इक्को है, इस मोर्चे की पार्टी बनाउण दा भी वोट शेयर जिहड़ा एक होर थां ते वंड लिता जाए, चार थावां ते कर दिता, एक उन्हें चार हिस्सों में वंडी जानी वोट, एक बने इकल्ले वोट जो असर ते पाएगी जी, अपने हिसाब नाल उन्होंने जिहड़ी नियमबंदी की है वो इस करके आश्वस्त भी ने, जिस तरह की यह दौड़ लगी हुई है वो भी इस करके है कि लोगों को लगता है कि बीजेपी। श्रोमणी अकाली दल शहीदों के मुख सेवादार सरदार हरदीप सिंह टिबड़वा के नाल गलबात की है, तमाम गलबात की, आने वाले समय के भी इस तरह के तमाम पक्ष लैके तमाम शहीदों लैके ताड़े दरमियान हाज़र होवांगा। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।